हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं जो मछली का पेट से जो निकलता है तेल ठो, उसी का ही आज हम फ्राई बना के दिखाएंगे। वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हम बाद में बताते जाएंगे क्या क्या होता है खाने से। तो यहाँ पर ही हम एक टेबल चम्मच हम सरसों ले लिए हैं, थोड़ा सा जीरा ले लिए हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर ही धनिया को ले लिए हैं हाफ हाफ टी स्पून करके, और थोड़ा सा गोलकी को ले लिए हैं, और ऊपर से 5-6 कली लहसुन और हाफ इंच अदरक को ले लिए हैं। और इसमें हम 5-6 हरी मिर्च को डाल के इसका एक फाइन एक पेस्ट बना लेंगे। ये मसाला जो है गाइस, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मसाला डाल के बना सकते हैं और नहीं डाल के भी बहुत गजब का लगता है खाने के लिए। यहाँ पर ही देखिए हम पैन को बैठा चुके हैं और मछली का जो पेट का अंदर में जो निकलता है वो वाला ले लिए हैं तेल को, और इसमें जो पीत निकलता है वो अलग फेंक देना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है, तो उसको ज़रूर से आप फेंक दीजिएगा। रोही फिश का जो पीत है उससे दवाई बनता है, मेरा हस्बैंड जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उसी का पीत से ही दवाई बनाते हैं। जिसको हम मतलब हमेशा बुखार आते रहता है या एसिडिटी में बुखार आता है, तो वो सबके लिए वो दवाई दिया जाता है कि ताकि बुखार ना आए, तो इसी को पीत खाना बहुत ज़रूरी होता है। आप अच्छा लगे तो ज़रूर से पीत खाइए। तो यहाँ पर हम एक प्याज और कुछ हरी मिर्च को काट लिए हैं, आधा बैंगन को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिए हैं, धो धा के इसको रख लिए हैं हम, इसी का ही ज़रूरत होगा बैंगन और प्याज का। तो यहाँ पर ही देखिए पैन बैठा चुके हैं, तो यहाँ पर ही हम प्याज और हरी मिर्च को हम काट के जो रखे थे उसको डाल दिए। हमें फ्राई पैन में जो है पहले से ही रोही फिश को फ्राई किए थे, उसी को ही फ्राई पैन को ले लिए हैं हम। तो प्याज को कुछ देर के लिए भून लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है गाइस, आप मसाला डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। हम क्योंकि मसाला बनाए थे फिश के लिए तो थोड़ा सा बचा के रख दिए थे इसमें डालने के लिए, इसीलिए हम डाले हैं इसमें, नहीं तो हम कभी भी जब भी हम इसका रोही फिश का तेल को भूनते हैं तो हम उसमें कोई मसाला नहीं डालते हैं, सिर्फ प्याज और बैंगन से ही बना लेते हैं। यहाँ पर ही देखिए हम बैंगन को डाल दे रहे हैं थोड़ा देर प्याज को भूनने के बाद में। अब इसको उलट पुलट करके हम लोग बैंगन को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हम जब भी रोही फिश लाते हैं तो उसका जो तेल है वो ज़रूर से लेके आते हैं, आप भी ज़रूर से लाइए, रोही फिश का ही तेल का बेनिफिट है, कतला फिश का नहीं है। कतला फिश का आप तेल को खा सकते हैं लेकिन उसमें बेनिफिट कुछ नहीं है, बस मुंह का स्वाद होगा, लेकिन रोही फिश का जो होता है तेल तो वो उससे दवाई बनता है हम लोगों का। तो यहाँ पर ही हम भून लिए हैं, भून लेने के बाद अब हम हाफ टी स्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। नमक को डाल के हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। भूनने के बाद बीच में हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं तेल को डालने के लिए, मछली का जो तेल है उसको डाल लेंगे इसी में ही। ये देखिए मछली का तेल को हम लोग डाल लिए हैं, अब उलट पुलट करके उसी बीच जगह में ही भून लेंगे। इसको भूनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस। ये देखिए भूनने के बाद हम उसी से ही तेल निकलने लग गया है, और वही तेल से ही हम लोग बैंगन को अच्छा से भून लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा तेल डालिएगा और मछली का जो तेल है उसको डाल दीजिएगा। आप खाली बैंगन और प्याज नहीं डाल के भी खाली भी भून के नमक हल्दी दे के भून के खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हम यहाँ पर बढ़िया से भून चुके हैं। आप लोगों ने सोचते होंगे ना गाइस कि क्या आज रेसिपी को उठा के ले आई है दिखाने के लिए, तो ये रेसिपी गाइस बहुत ही हेल्दी है, इसीलिए ही लाए हैं दिखाने के लिए कि इसका बेनिफिट आपको बता सके। तो अब हम मसाला थोड़ा सा जो बचा के रखे थे उसको डाल दिए, डालने के बाद इसको अच्छा से मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे,
भुनने के बाद हम लोग उनका पूरा पूरी तैयार हो जाएगा, मछली का जो तेल है उसका फ्राई। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसे ही छोटा मोटा घरेलू रेसिपी ले के हम हमेशा ही हाजिर होती हूँ, तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए कि ये सब भी मतलब खाया जाता है और बनाया जाता है बहुत टेस्टी से। इसको गरम भात में मिला मिला के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, गजब का लगता है एकदम। अब हम गारंटी बोल रहे हैं गाइस, आप मछली को छोड़ देंगे, इसका साथ में आप एक बार चावल बना के मैंने स्टीम राइस बना के खा के देखिए। हम गारंटी बोल रहे हैं कि आप मछली को छोड़ के इसी का साथ ही हमेशा आप चावल को खाएंगे। देख रहे हैं ना गाइस, पूरा बन के तैयार हो चुका है एकदम लटपट सा हम लोगों का मछली का तेल का फ्राई। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस एंड जय जगन्नाथ। चलिए आप गरम गरम भात का साथ में इसको मिला मिला के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा, बना भी बहुत टेस्टी है।